कैसी है तू? मैं तो अच्छी, तू कैसी है? बहुत अच्छी। सुना क्या कहानी सुना रही आज? क्या बताओ यार, मैं तो अपने ससुर जी से ही परेशान रहती हूँ। क्यों यार, इतनी गंदगी फैला रखे है ना, इधर थूकना, इधर ये करना, इधर वो करना, मतलब इतनी तंग आ चुकी हूँ ना मैं अपने ससुर जी से कि मैं तुझे बता ही नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, वो मेरी हर बात सुनता है और मेरी बातों को समझता भी है, मेरी हर बात अच्छे से जो भी मैं बोल दूँ ना सारा वो करता है। अगर बोल दूँ बाबू इधर थोड़ा सा आपके पापा जी गंदा कर दिए, साफ़ कर दीजिए, तो जा कर के साफ़ कर देता है, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। खैर मेरा छोड़, तू अपना बता। अरे क्या बताऊँ, मेरी कहानी भी वैसी है। मेरी सास ने तो बहुत परेशान कर दिए, उसके बेटे को अपने पास आने ही नहीं देती है। मेरे पास आएगा तो बेटे को बोलती है ये काम कर वो काम कर। मेरी सास इतनी रोमांटिक है ना, अपने लाइफ में इतना गोल खिलाई है ना, सोच नहीं सकती कितना गोल खिलाई है। तेरी सास तो बहुत रोमांटिक है यार। अरे हाँ ना, अपने बेटे को गोद में ले लेती है, उसका सर सहलाती है, उसको प्यार करती है, उसको ये सब करती है, लेकिन मेरे पास आने नहीं। फिर भी मैं उसे कुछ ना कुछ करके बुलाती हूँ, वैसे ही उसको बुला लेती है, बेटा तू खाना खा ले, ऐसा कर ले वैसा। मैं बहुत परेशान हो गई यार, क्या करूँ, तू ही बता मैं क्या करूँ। कैसी सास है यार तेरी, जो तेरे पति को तेरे पास ही नहीं आने देती है। ना ना यार, मैं खुद परेशान हूँ यार। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने शादी करके बहुत दुख, सूखी के सूखी रह गई मैं। कैसा पति यार, तू अपने पति को अपने करीब लाने की कोशिश करना फिर। अरे यार मैं तो इतना कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी सास ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया है। मैं उसको बुलाती हूँ, जैसे आके बैठ जाएगा वैसे ही उसे ले जाती है। बिटुआ ये काम कर लो, बिटुआ वो काम, बिटुआ बिटुआ ही करती है, बिटुआ को मालिश करेगी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे बेटे से ही प्यार हो गया। यार ऐसे कैसे करती है तेरी सासू माँ, उसे समझ में नहीं आता है कि नई नई दुल्हन है और अपने बेटे को थोड़ा आज़ाद छोड़ दे ताकि वो अपनी बहू के पास जाए और थोड़ा बहू में चिपके। वो अपने में क्यों चिपका के रखती है? वो अपने पास ही चिपका के रखती है। मैं सोच रही हूँ कहीं और अफेयर चला लूँ यार। नहीं यार ऐसा मत करना, बल्कि तू अपने हस्बैंड को संभाल और उसे अपने करीब ला और थोड़ा अपने रोमांटिक अंदाज में। यार तू पहले कैसी थी, थोड़ा तो अपना वो पहले वाला फील जगा ले अपने अंदर, वो खुद ही अपनी माँ को छोड़कर तेरे पास आ जाएगा। अरे नहीं आता है ना, यही तो बात है, मैं तो अपने तन बदन को ऐसे ही सहलाती हूँ, क्या करूँ, इतना जलता है बदन, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को करीब ही नहीं लाती हूँ। यार मैं तो अपने ससुर की ना सिर्फ गंदगी से परेशान हूँ, कुछ भी मतलब पोछा मारो तो चप्पल पहन के आ जाता है, झाड़ू मारो फिर भी वही हाल रहता है, मतलब कोई भी काम करूँ ना उसमें वो आकर के गंदगी करना ही जरूरी ही समझते हैं। पर एक मेरा पति है, वो तो बहुत अच्छा है, सारा काम कर देता है, एक बार में सुनता है, कुछ भी बोल दो पटाख से कर देता है। मेरा पति तो माँ का चमचा है। मैं तुझे पता है, अभी मेरे बाजू में एक बंदा है, बहुत अच्छा लगता, कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ी सी फीलिंग जगी है उसके अंदर, तो मैं सोच रही हूँ उससे प्यार कर, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे बोलने से डर लगा था, लेकिन आज सोच रही हूँ बोल दूँ। जाके बोल देना फिर, देर क्यों कर रही है। अरे देर नहीं, मैं तो अभी फोन करूँ, वो तो आ जाए भाग के, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अभी थोड़ा आज बात करके आज कहीं डेट पे जाऊँ ताकि मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाऊँ। सही बात है, पहले अपने पति को पहले अपने करीब ला के देख, और अगर नहीं आता है या उसकी माँ अपने बेटी को नहीं छोड़ती है तो फिर तू अपने कहीं और सेट हो जाए। अरे फिर उसे समझ में आएगा इतनी खूबसूरत सी बीवी छोड़ दिया है वो। अरे वही तो बात है ना यार, वो थोड़ा किसिंग भी करने आता है, वो मेरे करीब भी आता है ना ऐसा, तो उसकी माँ बुला लेती है उसको। हाय कैसी सासू माँ है, बीच में टांग लड़ाते फिरती है, शर्म नहीं आता उनको। लेकिन एक बात बताओ, तेरी मेरी बातें, हाँ मैं जो बोल रही हूँ, मेरा फ्रेंड है ना, हाँ वो फ्रेंड मुझसे प्यार करता है और मैं उसे मिल चुकी हूँ। ठीक है, एक बार गई है यार, एक ही बार गई हूँ मैं। तू जब फ्रेंड मिली थी इससे क्या छुपा हुआ? वो तो मेरी तेरी बातें तो बचपन की फ्रेंड है और एक दूसरे के बारे में तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, या फिर हम दोनों के बारे में तो कुछ भी छुपा भी नहीं छुपा है भी नहीं। ये तो तू भी जानती है, तो अब आगे का बता ना फिर क्या क्या की। हम मिले, पहले खाना वाना खाया, चाय वाय पी, फिर बाद में एक रूम में गए, तो प्यार मोहब्बत हुआ हम लोग का, और इतना हुआ कि हद से ज्यादा थोड़ी, मैं ऐसा ऐसा उसने करा ना मुझे कि बोला कि तुझे जो तेरे पति से प्यार नहीं मिलता है ना वो प्यार मैं दूंगा, तेरी सास ने तुझे परेशान करी, मेरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी,
मुझे इधर चुमा, मतलब इतना फेल दिया है ना मुझे कि शायद से मुझे किसी ने दिया है। हाय तेरे पति की कमी तो तुझे पूरी हो गई ना। अरे जाने दे फिर अपने पति को अपनी माँ के पास। हाँ मैं तो बोलती हूँ, अब वो उसकी माँ के गोद में बैठे वो उसकी माँ के गोद में बैठेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे फील देने वाला, मुझे प्यार करने वाला मिल गया। जब बोलते ना घर में दाल और बाहर मुर्गी मिल गई तो खाने में क्या तकलीफ है। हाय तेरे पति की किस्मत फूटी हुई है, जो इतनी खूबसूरत सी बीवी छोड़कर माँ में चिपका है, तो बीवी तो बाहर जाएगी ना, क्या करेगी। अगर मेरी जगह वो भी रहता तो वो भी ये करता। तो मैं हम लोग है ना फिर बात करते, तुझे पता है हाँ। इतना मस्त रोमांस करे ना अच्छे बात। तो कहाँ कहाँ घूमने गई तू उसके साथ? मैं बहुत जगह गई जिसका मैं बता ही नहीं सकती किधर किधर गई। तू बता तेरे पति के साथ क्या क्या किया? मेरा पति तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। मतलब बस थोड़ा अपने ससुर से परेशान हूँ, पति से बिल्कुल भी परेशान नहीं। लेकिन पति कैसा प्यार देता है ये तो पता? बहुत अच्छा। जब हम लोग कमरे में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा छेड़ता है मुझे, परेशान करता है और बाकी का तो तू जानती है, फिर बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे पता ना, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तू पता नहीं, तू अपने बारे में बता, मेरे छोड़ दे, मैंने तुझे बता दिया। तू ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? पहले मैं मेरे हस्बैंड से तू क्या रही हूँ, तू भी ऐसे करेगी? अरे यार दोस्त दोस्त के काम में आएगा तो किसके काम आएगा? तू अपने उसके बारे में बता दे और पति को साइड कर दे अभी। मैंने तो मेरे पति को कब से साइड में कर दिया। तो और क्या क्या की उसके साथ और कहाँ गई घूमने, कहीं लेके गया या नहीं? हाँ हम लोग चूचू पार्टी गए थे, इधर गए थे उधर गए थे, लेकिन वहाँ पे ही कई होटल थी तो वहाँ पे होटल्स में गए। फिर होटल्स में जाने के बाद और उसने इतना प्यार किया हद से ज़्यादा। तू सोच सकती है मुझे कितना प्यार किया है? तू मुझे देख के अंदाजा लगा सकती? तुझे सुकून मिला ना? बस बहुत है, खुश रहा ऐसे ही। मैं तो खुशी रहूंगी हमेशा। और सासू माँ की बता ना, क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती है वो? मेरी सासू माँ तो तुझे क्या बताऊँ, मूवी देखती है, ऐसी ऐसी मूवी देखती है ना, तू देख के हैरान हो जाएंगी, दंग हो जाएगी। पता है इतनी उम्र में ऐसा करती है? अरे यार मेरी सास बहुत रोमांटिक है। अच्छा? तो देखेंगी तेरी तेरे अंदर की फीलिंग जग जाएगी। तभी तो बेटे को चिपका के रखती है ना। तो फिर चिपकाने में भी उसको मजा आता है, क्योंकि मेरा ससुर तो हमेशा बाहर रहता है। अच्छा, तो वो अपने बेटे से फील लेती है, तो इसलिए तो मेरे पास नहीं आने देती। चल अच्छा है, तू बाहर इंजॉय कर मस्त एकदम। और सुना? और तो सब बढ़िया है, बस अच्छा खासा चल रहा है। तेरा हस्बैंड किधर घुमाने लग गया? मेरे हस्बैंड तो बहुत जगह मुझे घुमाते हैं, जहाँ भी बोल दूँ ना तो वहाँ लेके जाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बस बोल दूँ बाबू मुझे ये जगह जाना, तो हाँ ठीक है चलते ना, चल रेडी हो जाए, बस चले जाते, खूब इंजॉय करते मस्ती करते। और तो प्यार तो मुझसे इतना ज़्यादा करता है, लगता है कि सर दुनिया में मैं ही उसके लिए इकलौती हूँ, और मेरे अलावा तो और किसी की तरफ देखता भी नहीं है वो। तो बहुत ही अच्छा मेरा पति है। तेरा पति कभी तेरे कपड़े चेंज करते हुए तुझे छेड़ता है या नहीं छेड़ता? किसका पति नहीं छेड़ेगा ये बता दे तू मुझे। मेरा पति है तो मुझे तो छेड़ेगा ही ना। वैसे ही नहीं, छेड़ना तो आम बात हो गई। हाथ नहीं लगाता कुछ नहीं, ऐसे ऐसे तो फील देता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा फील देता है ना। तू तो समझ सकती, तेरा पति भले प्यार करे या ना करे बाहर तो कर रहा है ना। अरे बाहर वाला ही समझ ले मेरा पति है। अभी भेजता क्या करना, कहीं पे भेज देना काम हो, रहने देना, काम बोलता काम चल रहा है, इसके काम से मेरे काम बढ़ रहे आगे, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो आराम मिल रहा है ना, मुझे तो मेरी बॉडी को सुकून मिल रहा है, मुझे तो फील दे रहे। तो क्या उसका मन नहीं करता होगा क्या तेरे साथ रहने का यार, ऐसे कैसे माँ के पास चिपका रहता है वो? उसका मन तो बहुत करता है यार, लेकिन उसकी माँ ही उसके साथ चिपके रहती तो मैं क्या करूँ। कभी कभी अपने साइड पे लेके आया कर ना तू अपनी तरफ उसको। अरे यार मैं बोल रही क्या, जैसे मैं उसको लेके आ जाती हूँ वो आवाज दे देती है, मैं उसको किस भी करने जाती हूँ तो तू तुरंत भाग देता, मेरी माँ बुला रही है, बाबू मैं चाह रहा हूँ, तो मेरे जा माँ के चमचे हटा दे उसको फिर। फिर वही तो, और मैं जिसके साथ हूँ वो तो मुझे एकदम रिलीव्स करता है। चल अच्छा है, तेरा एंजॉय हो रहा है ना, तो फिर खुश रहे आराम से। चल।
कभी मिलवाऊंगी देखो मेरे। हाँ जरूर, अपने पति से मुझे जरूर मिलवाना। वैसे अभी आई तो तेरा पति दिख नहीं रहा है, कहाँ यार? माँ की गोदी में बैठा रहेगा। कहीं लेके माँ गई होगी ना साथ में। माँ को उसके साथ ज्यादा फील आता रहेगा ना इसके लिए। अच्छा चल ठीक है फिर। चल ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट टू मीट यू। चल बाय, चल ठीक है।